राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, जहां 199 पर चुनाव हुआ। बहुमत का आंकड़ा यहां पर 100 और बीजेपी ने यहां पर 115 सीटों पर जीत दर्ज करी है। कांग्रेस को 69 जबकि अन्य को 15 सीट मिली। लेकिन सवाल यहां भी ये बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चुनाव के में भाजपा राजपूत चेहरे को अहमियत दे सकती है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो बीजेपी की तरफ से रही थी, उनकी दावेदारी अभी भी बरकरार है। चुनावी सभा में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने माला के बीच में वसुंधरा राजे के साथ फोटो खिंचवाई थी, उससे उनकी दावेदारी भी मजबूत होती दिख रही है। इसके अलावा राजवर्धन सिंह राठौर के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। दिया कुमारी का नाम भी खारिज नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक नाम और है जो सबको चौंका सकता है, वो है तिजारा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बाबा बालकनाथ। इनके नाम पर भी चर्चा तेज है, लेकिन देखना होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा भाजपा की तरफ से।